तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय आरबीसी टेक चैनल। दोस्तों, आज हम अपने चैनल आरबीसी टेक पर आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं और आपके लिए लेकर आए हैं बेहतरीन क्वेश्चंस, ताकि आप तैयार करें और अच्छे से, और जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है अप्रैल मंथ का, दोस्तों अप्रैल में या मई में जो भी एग्ज़ाम देने जाएंगे आप, उसमें जो है आपके बेहतरीन नंबर्स आएंगे। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, WW का आविष्कार किसने किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, ये बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और CCC में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, चार्ल्स बेबेज, हरमन हॉलरी, टिम बर्नर्स-ली एंड पास्कल बैसल ब्लेस पास्कल। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट। दोस्तों, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली ने किया था। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। जब आप MS ऑफिस, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट आदि का उपयोग कर रहे हैं तो फंक्शन की F12 क्या करता है, इसमें देख लीजिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन ए, ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स, सो ओपन डायलॉग बॉक्स, डिस्प्ले सेव डायलॉग बॉक्स एंड ओपन फॉन्ट डायलॉग बॉक्स। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए या जल्दी से रिप्लाई कीजिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट। फ्रेंड्स, ओपन सेव एज डायलॉग बॉक्स होता है F12 प्रेस करने से। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। मान लीजिए कि डॉक्यूमेंट में एक टेक्स्ट है जो बोल्ड रेड इन कलर और ग्रीन बैकग्राउंड के साथ में है, हम इन सभी फॉर्मेटिंग को एक बार में दूसरे पैराग्राफ में लागू करना चाहते हैं तो किस विकल्प का उपयोग करेंगे। दोस्तों, आपको इसमें बहुत ही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया है, तो इसमें घबराना नहीं है, सोच समझ के जवाब देना है। किसी एक फॉर्मेटिंग को दूसरे पैराग्राफ पे कैसे हम सेट करेंगे या कैसे लागू करेंगे, तो देख लीजिए ऑप्शन फॉर्मेट बटन, फॉर्मेट मेनू, फॉर्मेट पेंटर या फॉर्मेट माइक्रो, इसमें से कौन सा इस्तेमाल होगा दोस्तों। तो ऑप्शन सी इज़ राइट, फॉर्मेट पेंटर का हम उपयोग करेंगे। जो भी फॉर्मेट एक पैराग्राफ में लगा हुआ है वो सारा दूसरे पैराग्राफ में ऑटोमेटिक चला जाएगा, तो फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके हम सेम टू सेम कॉपी कर सकते हैं फॉर्मेटिंग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन आज का। MS ऑफिस के साथ आने वाले वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन को नाम दें, या नेम ऑफ द वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन दैट कम्स विद द MS ऑफिस। ऑप्शन देख लीजिए, MS वर्ड, MS एक्सेल, एड MS पावर पॉइंट या MS पेंट, इसमें से कौन सा सही जवाब होगा दोस्तों। तो इसमें से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, MS वर्ड। जो है MS वर्ड प्रोसेसिंग जो एप्लीकेशन के नाम आता है वो आता है MS वर्ड के नाम से। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, गटर मार्जिन का उपयोग किया जाता है, गटर मार्जिन का उपयोग क्यों किया जाता है ये बताना है आपको। ऑप्शन देख लीजिए, स्पेस टू द हेडर साइड एंड स्पेस टू द लेफ्ट साइड एंड स्पेस टू द बिहाइंड साइड एंड स्पेस टू द फुटर साइड। दोस्तों, इसमें से आपको क्या सही जवाब क्या होगा, तो इसमें से हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ राइट, एड स्पेस टू बाइंडिंग साइड, एड स्पेस टू बाइंडिंग साइड। देखते हैं बुक्स में जहाँ पे बाइंडिंग होती है, या तो आपका लेफ्ट साइड बाइंडिंग लेफ्ट से होती है और टॉप से होती है, दो तरह से होती है दोस्तों। तो इसमें आपका जो है एड स्पेस टू द बाइंडिंग साइड, गटर मार्जिन का उपयोग किया जाता है, गटर मार्जिन इसीलिए स्पेस दिया जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। और दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता है, इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों। इसमें कौन सा प्रोटोकॉल ऐसा है जो इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता, HTTP, Telnet, WIRL या गोफर। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज़ राइट, WIRL जो है प्रोटोकॉल इंटरनेट में उपयोग नहीं किया जाता, तो ऑप्शन सी इज़ राइट। HTTP का फुल फॉर्म पता ही आपको, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है दोस्तों। और टेलनेट भी इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट में, गोफर का भी इस्तेमाल इंटरनेट में किया जाता है। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। हम डैश दिया गया है दोस्तों, सुविधा का उपयोग करके किसी वर्ड फाइल के मल्टीपल वर्जन को एक ही फाइल में रख सकते हैं, तो इसमें से क्या है, ऐसा कौन सा फीचर है जिससे कि हम मल्टीपल जो है फाइल्स को, मल्टीपल वर्जन को जो है एक ही फाइल के अंदर जो है रख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको बताना है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। ऑप्शन ए है वर्जन चेंज, ऑप्शन बी है एडिट चेंज, ऑप्शन सी है ट्रैक चेंज एंड ऑप्शन डी है ट्रैक चेंज, ट्रेस चेंज और ट्रैक चेंज। दोस्तों, ऑप्शन सी या डी, ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी इज़ राइट, ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज का हम ऑप्शन करके जो है किसी भी फाइल को, मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को होते हैं वो एक ही फाइल के अंदर रख सकते हैं। चलिए देखते हैं अब आज का अगला क्वेश्चन।
संपूर्ण पाठ का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? संपूर्ण पाठ का चयन करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? सारी फाइल सेलेक्ट करनी है एक ही साथ, आपको जितने भी फाइल्स में टेक्स्ट दिए गए हैं सबको सेलेक्ट करने के लिए कौन सा प्रेस करेंगे? ऑप्शन ए है कंट्रोल आई, कंट्रोल ए, कंट्रोल एस एंड कंट्रोल बी। तो ऑप्शन बी इज राइट, कंट्रोल ए का प्रयोग किया जाता है पूरे इंट्रा फाइल को एक बार में सेलेक्ट करने के लिए। चलिए इसी के साथ देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों। किसी डॉक्यूमेंट पर स्पेलिंग की गलती को खोज करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू सर्च फॉर एनी स्पेलिंग मिस्टेक ऑन ए डॉक्यूमेंट? ऑप्शन देख लीजिए, फंक्शन दिया गया है, फंक्शन की देख के आपको घबराना नहीं है दोस्तों। ये F2 जैसे आप बोलते हैं उसी को फंक्शन की कहा जाता है, F2, F5, F7 और F9। तो इसमें से हो जाएगा आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी इज राइट, F7 का प्रयोग किया जाता है स्पेलिंग की गलती को ठीक करने के लिए या स्पेल एरर ठीक करने के लिए। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा एक वैलिड फॉन्ट स्टाइल है? वैलिड फॉन्ट स्टाइल दोस्तों क्या है इसमें आपको बताना है, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, रेगुलर या स्ट्राइक थ्रू। वैलिड फॉन्ट साइज, वैलिड फॉन्ट साइज पूछा रहा आपसे, तो वैलिड फॉन्ट साइज हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट, रेगुलर। जो हमारा वैलिड फॉन्ट साइज होता है वो रेगुलर होता है। सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट कर देंगे तो अप एंड डाउन हो जाएगा, स्ट्राइक थ्रू लगा देंगे तो लाइन कटा जाएगा उससे बीच में। तो इसी के साथ हमारा ऑप्शन सी इज राइट। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। और दोस्तों ऐसे जो है क्वेश्चंस हैं ये आप तैयार कीजिएगा तो आपका 100% जो है एग्ज़ाम में नंबर अच्छे आएंगे, और इस बार एग्ज़ाम में नंबर अच्छे ही लेके आना है। चलिए इसी के साथ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन एमएस ऑफिस का वैध संस्करण या वैलिड वर्जन नहीं है? ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है एमएस ऑफिस एक्सपी, ऑप्शन बी है ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2007, ऑफिस 97 एंड 2003। तो इसमें से सही जवाब हो जाएगा आपका दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट, जो ऑफिस विस्टा है ये आपका वैलिड वर्जन नहीं है एमएस ऑफिस का। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन। फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन टूल बार में उपलब्ध फॉन्ट आकार की सीमा क्या है? व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज ड्रॉप डाउन टूल बार? जो ड्रॉप डाउन टूल बार है दोस्तों उसमें फॉन्ट साइज जो दिखाता है वो कहाँ से कहाँ तक का रेंज शो करता है, मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा? एमएस ऑफिस के लिए दिया गया है, एमएस वर्ड के लिए ये क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछा गया है लिब्रे ऑफिस से, तो इसका ध्यान रखना आपको। लिब्रे ऑफिस में होता है 6 होता है और 96 होता है, और इसमें जो है आपका 8 है और 72 होगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा इसमें ऑप्शन बी इज राइट, 8 से लेकर के 72 तक, मिनिमम 8 होता है और मैक्सिमम जो है 72 तक शो करता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में, और आप इसको सेलेक्ट करके कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का अगला क्वेश्चन इसी के साथ में। गटर मार्जिन को निम्न पर सेट किया जा सकता है? दोस्तों गटर मार्जिन हम कैसे सेट करेंगे या कहाँ पे सेट करेंगे? ऑप्शन देख लीजिए, लेफ्ट एंड राइट, टॉप एंड बॉटम, राइट एंड बॉटम एंड लेफ्ट एंड टॉप। तो आपको ध्यान होना चाहिए, पिछले एक क्वेश्चन और इसी में था दोस्तों गटर मार्जिन से रिलेटेड। तो गटर मार्जिन हम लगाते हैं कहाँ पे? बाइंडिंग साइड पे। तो यहाँ पे हो जाएगा अब लेफ्ट एंड टॉप, तो ऑप्शन डी इज राइट, लेफ्ट और टॉप में जो है गटर मार्जिन सेट किया जाता है दोस्तों, स्पेसिंग के लिए होता है बेसिकली। चलिए देखते हैं इसी के साथ अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों HTML, क्वेश्चन है HTML को डॉट डॉट भाषा माना जाता है? HTML इज कंसिडर्ड एज विच लैंग्वेज? ये कौन सा लैंग्वेज कहा जाता है HTML को? ये आपको बिल्कुल सही जवाब देना है दोस्तों। इसमें सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऑप्शन बी उप लैंग्वेज, ऑप्शन सी मार्कअप लैंग्वेज एंड ऑप्शन डी हाई लेवल लैंग्वेज। फ्रेंड्स इसमें सही जवाब क्या होगा बहुत सोच समझ के, और कमेंट बॉक्स में मैसेज भी कीजिए, जल्दी से फटाफट रिप्लाई कीजिए इसका क्या होगा सही जवाब। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन सी इज राइट, मार्कअप लैंग्वेज, HTML इज ए मार्कअप लैंग्वेज। HTML का फुल फॉर्म भी आपको पूछा जाता है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो HTML एक मार्कअप लैंग्वेज है दोस्तों। इसी के साथ हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दोस्तों आपके लिए लेके आने वाला हूँ। इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। चलिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।